अररिया जिले के भरगामा प्रखंड के सिमरबनी पंचायत में जर्जर सड़क को लेकर बजरंग दल एवं ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी की। सड़क की मरम्मत कराने की मांग को लेकर ग्रामीण एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर यातायात बाधित कर दिया। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों ने बताया कि अगस्त माह 2017 में बाढ़ के आ जाने के बाद पंचायत से गुजरने वाली सड़क 3 जगह पर टूट गई थी, जिसके बाद अब तक उसकी मरम्मत नहीं हो सकी। कोई प्रतिनिधि आज तक इस सड़क को देखने तक नहीं आए। सड़क जर्जर हो जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। शुक्रवार को बारिश होने से स्थिति और भी नरकीय हो गई है, जिस कारण सड़क पर लोग उतरने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा तब तक चुनाव में किसी दल को वोट नहीं देंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मांग किया है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराया जाए, अन्यथा और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो विधायक एवं प्रखंड मुख्यालय का घेराव भी किया जाएगा। इस मौके पर बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता एवं वहां पे ग्रामीण मौजूद थे। गांव की सड़क टूट गई है। इसका जिम्मेदार कौन? नीतीश कुमार। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मुख्य कारण है सिमरवनी वार्ड नंबर 3 गंगादास मुसहरी टोला, जो मुख्य मार्ग है, यहाँ का रास्ता पूरी तरह टूट गई है, जिससे आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ की जनता, पूरे 1000 जनता जो है वह फंसी हुई है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसका बहुत कठिन सामना करना पड़ रहा है। यह रास्ता जो है पूरी तरह तहस नहस हो गई है, इसमें पुला की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे तत्काल और अस्थाई पुला बनाया जाए, उसके बाद जो है जो इसका नियम होगा सरकार जो करेगी वह करना चाहिए। फिलहाल अस्थाई इसमें करना चाहिए।